अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाजमा, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी। टुडे माय डिस्कशन टॉपिक इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड स्पीच लेयर। हियर इज़ अ कंटेंट। सो फर्स्टली आई डिफाइन व्हाट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ कम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स प्रेजिस्टेंट चैलेंजेस इन सोशल इंट्रैक्शन, स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। ऑटिज्म मीन्स डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये एक लाइफ लॉन्ग और नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर्स ही स्टार्ट हो जाता है और ये इफेक्ट करता है हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर और सोशल इंट्रैक्शन पर। सो नेक्स्ट आ जाता है, वॉट इज स्पीच डिले। स्पीच डिले इज रेफर्स टू डिले इन द डिवेलपमेंट और द यूज़ ऑफ द मैकेनिजम्स दैट प्रोड्यूस स्पीच। स्पीच एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लैंग्वेज इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग साउंड यूजिंग सच ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स एज द लंग, वोकल कॉर्ड, माउथ्स एंड टंग एट्सेट्रा। इसको हम लोग अलेलिया भी कहते हैं और ये एक एक्चुअल प्रोसेस है और हम लोग इसमें प्रोड्यूस करते हैं स्पीच और कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं लाइक लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, माउथ एंड टंग वगैरह का। सो नेक्स्ट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड स्पीच डिले। ऑटिज्म विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम्स विद सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन करने में और सोशल इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहे होते वो। द माइट रिपीट सर्टेन बिहेवियर्स एंड माइट नॉट वॉन्ट चेंज इन देयर डेली एक्टिविटीज़। अगर उनकी डेली एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो वो अपसेट हो जाते हैं और उनका बिहेवियर जो होता है वो अग्रेसिव हो जाता है। स्पीच डिले, एबल टू कम्युनिकेट थ्रू नॉन वर्बल बिहेवियर एंड एबल टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। ये एबल होते हैं कम्युनिकेट करने में लेकिन नॉन वर्बल बिहेवियर के ज़रिए एंड एबल टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स। द लैक ऑफ स्पीच इज़ कंपनसेटेड थ्रू नॉन वर्बल बिहेवियर और इनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्पीच प्रोड्यूस करने में। पीपल विद ASD ऑफन हैव प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर, दे शो रिपीटेटिव बिहेवियर एंड द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। जो ASD वाले बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है अग्रेसिव होता है खुद के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। रिपीटेटिव बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, जोकिंग, फसीटिंग हैबिट्स वगैरह होती हैं और कम्युनिकेशन में भी उनको प्रॉब्लम होती है। चिल्ड्रन और अडल्ट विद ASD माइट नॉट पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स टू शो इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल नॉट पॉइंट एट एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर। ASD में जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो उसको भी मतलब पॉइंट आउट नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट नहीं करना आता। अवॉइड आई कॉन्टेक्ट एंड वॉन्ट टू बी अलोन, वो उनका अवॉइड करेंगे आई कॉन्टेक्ट से भी और अकेले रहना पसंद करेंगे। लो स्किल्स दे वॉन्ट्स हैड, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप सेइंग वर्ड्स दे वर यूजिंग, नॉट प्ले प्रिटेंड गेम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट प्रिटेंड टू फीड और डॉल। प्रीवियसली कोई स्किल्स वर्ड सीखते हैं तो वो ऑटिज्म में भूल जाते हैं। प्रिटेंड गेम्स नहीं खेलते लाइक घर घर जाके नहीं खेलते और ना ही वो गुड़िया वाला खेल खेलते हैं बच्चों के साथ। सो नेक्स्ट आ जाता है स्पीच डिले। इफ़ अ बेबी इज़ नॉट कूइंग और मेकिंग अदर साउंड्स एंड 2 मंथ्स इट कुड बी द अर्लीस्ट साइन ऑफ स्पीच डिले। बाय 18 मंथ्स बेबी कैन यूज सिंपल वर्ड्स लाइक मामा और डैडा। 2 मंथ से 18 मंथ्स के बच्चे जो हैं सिंपल वर्ड सीख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दादा, मामा। अगर वो ये नहीं कर पा रहे तो उनको स्पीच डिले है। कुछ साइन सिम्टम्स आ जाते हैं। Age 2 डज़ नॉट यूज़ इट लेस टू वर्ड, जो 2 साल के बच्चे हैं उनको कम से कम 25 वर्ड जो हैं वो बोलने आने चाहिए। डज़ नॉट यूज़ यूनिक 2 वर्ड फ्रेजेज और नॉट नॉन वर्ब कम्युनिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय बाय और उनको साथ में लाइक गेस्टर्स और साइंस को भी ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करना आना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर पाते तो फिर उनको स्पीच डिले है। Age 3 डजंट यूज़ एट लीस्ट 200 वर्ड्स, डोंट आस्क फॉर थिंग बाय नेम, हार्ड टू अंडरस्टैंड इवन इफ़ यू लाइव विद देम। एनी एज अनएबल टू से प्रीवियसली लर्न थिंग, अगर किसी मतलब 3 साल की उम्र में उनको 200 लफ्ज़ जो हैं वो बोलने आने चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना आना चाहिए। उसके बाद वाली उम्र में अगर वो जो लर्न चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं तो फिर इसका मतलब उनको स्पीच डिले है। सो नेक्स्ट उसके कुछ कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ ऑफ ऑटिज़म, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ASD इज़ अननोन। द मोस्ट करंट रिसर्च इज डिमॉन्स्ट्रेट दैट देर इज़ नो सिंगल कॉज। सम ऑफ दैट सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑटिज़म इंक्लूड हैविंग एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर विद ऑटिज़म, जेनेटिक म्यूटेशंस, बींग बॉर्न टू ओल्डर पेरेंट्स, लो बर्थ वेट, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अगर
अगर आपकी फैमिली मेंबर में किसी को पहले है ऑटिज़म तो फिर भी मतलब कॉज हो सकता है ऑटिज़म, या लो बर्थ वेट है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, या अगर मतलब ज़्यादा उम्र के उम्र में आप के यहाँ अगर मतलब बच्चा पैदा होता है तो फिर भी मतलब ऑटिज़म हो सकता है। फिर आ जाता है कॉज ऑफ स्पीच डिले। अ स्पीच डिले मे मीन्स दैट देयर टाइम टेबल इज़ अ लिटिल डिफरेंट बट स्पीच और लैंग्वेज डिले कैन ऑल्सो टेल सम थिंग्स अबाउट ओवरऑल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि ये कॉज हो जाए, ये फिज़िकल चीज़ होती है और इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। इंटेलेक्चुअल मींस कि उसका इंटेलिजेंट लेवल कितना है। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स: प्रॉब्लम ऑफ माउथ, हेडिंग लास, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ट्रीटिंग अ स्पीच डिले, ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कंडीशंस। प्रॉब्लम ऑफ माउथ, लाइक अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस के लिप पर कोई काट है तो फिर उसको ये हो सकता है, हेयरिंग लॉस है तो फिर भी हो सकता है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर कोई भी है तो फिर भी ये कॉज हो सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन मीन्स ऐसी जगह जहाँ कोई स्पीच ना सिखा सकता हो तो उसे भी ख़तरा हो सकता है, स्पीच डिले कॉज हो सकता है। सो ये थे कॉजेज स्पीच डिले के। सो नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज़म। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ASD ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। देयर आर सम फॉलोइंग्स इंक्लूड: फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। फिजिकल थेरेपी इज़ इम्प्रूव ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड हेल्प टू हैंडल सेंसरी इंटीग्रेशन इशूज़, इम्प्रूव स्किल्स सच एज वॉकिंग, सिटिंग, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। फिर आ जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प टू ट्रीट सेंसरी इशूज़, यूज टू हेल्प टीच लाइफ स्किल दैट इन्वॉल्व फाइन मोटर मूवमेंट्स सच एज ड्रेसिंग, कटिंग विद सीजर्स एंड राइटिंग। दे आर ऑल्सो इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेट फुली इन डेली एक्टिविटीज़। उसके बाद स्पीच थेरेपी इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स यूजिंग साइन एंड गेस्टर्स, डिवेल्प वर्बल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच डिले। प्रैक्टिस, फोकस ऑन वॉट द चाइल्ड कैन डू, लिसन, यूज ड्रॉ, रीड। प्रैक्टिस, इफ़ योर चाइल्ड हैज़ ट्रबल सेइंग अ सर्टेन साउंड, फॉर एग्जाम्पल इनकरेज हिम और हर टू जस्ट मेक दैट साउंड ऑल बाय इटसेल्फ। लाइक अगर उसे कोई बोल में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है तो हम उसे एक वर्ड देंगे और उसे बार बार बोलेंगे इसको प्रोनाउंस करो। फोकस ऑन वॉट दैट द चाइल्ड कैन डू इंस्टेड ऑफ ओवर एम्फेसिसिंग वट ही और शी कैन डू वेल द इम्पोर्टेंस इट पे टू अटेंशन टू इम्प्रूवमेंट इट्स स्पीच। Remember to phrase other small victories like picking up twice, being polite or using the bathroom. Listen mein hum log ask questioning karenge and be attentive and patient with the replies. Try to keep conversation natural and don't add pressure by demanding perfection. Use straw, drinking liquid through them or blowing air out of them will help your child develop the muscular strength in the mouth. That's important for clear speech. So reading a favorite book to your child and having them read it back to you can provide excellent reinforcement.